नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, कार ड्राइविंग स्कूल रजौकरी दिल्ली भारत से। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए गाड़ी चलाने से पहले, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है धैर्य। आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है, पूरे पेशेंस के साथ गाड़ी चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, पूरे धैर्य के साथ ही गाड़ी को सीखे। दूसरा आता है निडर। आपको बिल्कुल निडर रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। आप डर के चलाएंगे तो जल्दी नहीं सीख पाएंगे, निडर होकर चलाएंगे आप जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि डर रहे हो आप तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो गाड़ी को कैसे कंट्रोल करोगे। तो इसलिए डरना नहीं है, निडर होके नॉर्मल रहना है। जैसे आप नॉर्मल अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो वैसे नॉर्मल रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निडर रहना है। तीसरा है भरोसा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आप यहाँ तक आए हैं सीखने आए हैं तो आपको ये अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप सीखोगे, ज़रूर सीखोगे। और जो सिखा रहा है उसके ऊपर भी भरोसा रखना है कि हाँ जी ये सिखाएगा, बिल्कुल सिखाएगा, अच्छे से सिखाएगा। और तीसरा बहादुर। आपको डरपोक नहीं बनना है, बहादुर रहना है। आपको अपने मन से बोलना है कि हाँ मैं सीखूंगा, ज़रूर सीखूंगा, बहादुरी से अपने डर का सामना करना है। उसके बाद आता है एकाग्रचित्ता। मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, आपको एकाग्रचित्ता पूरा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, ताकि आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएँ। उसके बाद है संवेदनशील। आपके अंग संवेदनशील होने चाहिए, पैर हो गया, हाथ हो गया, पूरा शरीर हो गया। जिन लोगों के शरीर पे पूरा महसूस होता है, पैर हो गया, हाथ हो गया, पूरे शरीर पे महसूस होती है चीज़ें, वो लोग जल्दी सीख जाते हैं। जैसे हम गाड़ी को कंट्रोल करते हैं पैरों से, तो पैरों से ही हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, जिसको रेस बोलते हैं, ब्रेक भी दबाते हैं गाड़ी स्लो करने के लिए, क्लच दबाते हैं गियर चेंज करने के लिए, ब्रेक लेने से पहले भी क्लच दबाते हैं। तो आपके पैरों में महसूस होना चाहिए ताकि गाड़ी को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकें। उसके बाद है सकारात्मक। आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए, अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, इसलिए नेगेटिव मन में ख्याल नहीं लाना है। धन्यवाद।